लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी कर्नाटका हार रहे हैं, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए बात, अभी सब उनसे बात नहीं हो पाई, बाकी और सब लोग तो ही तो आप सब जी ना, लगभग 15 पार्टियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा अश्रम। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे हैं। बताते चले आपको कि तेजस्वी यादव अपनी बेटी कात्यायनी का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए पहुंचे हैं पासपोर्ट ऑफिस। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री यादव भी उनके साथ मौजूद रही। इसके बाद आपको बताते चले कि विपक्षी एकता की बैठक होनी है 23 जून को पटना में, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर कह दिया कि इस 23 तारीख के बैठक में तमाम दलों के प्रमुख नेता इसमें शामिल लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई और रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बोला कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि भाजपा बैठक को लेकर मजाक उड़ा रही है, इस पर भी उन्होंने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। सर, बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है ना, और हम लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी अप्लाई किया हुआ है आईडी प्रूफ के। अपना भी नहीं, मेरा नहीं, मेरा तो कोर्ट में जमा। विपक्ष की जो बैठक होगी उसको लेकर बीजेपी मजाक उड़ा रही है। अरे यार छोड़ दो, छोड़ दो, विपक्ष उसको लेकर मजाक उड़ा रहा है कि ठीक है बैठक हो रहा है लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। वो तय पहले ही कर देते, चुनाव क्यों करा रहे। ये सब बेकार की बातें, उनको कहने दीजिए ना, डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी कर्नाटका हार रहे हैं, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हार रहे हैं, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए बात, अभी सब उनसे बात नहीं हो पाई, बाकी और सब लोग तो ही नहीं तो आप समझिए ना, लगभग 15 पार्टियाँ हैं और कांग्रेस पार्टी के सब और सभी पार्टी के ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो आ रहा है लीडर आ रहा है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल बता ही ना दिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी और राहुल गांधी जी। सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली है उससे बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है, इसलिए अनाप शनाप बयान देती भी नजर आ रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए यह भी कह डाला कि लोकसभा का चुनाव बीजेपी पूरी तरह से हारेगी ही हारेगी, ये दावा करते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव। वही विपक्षी एकता की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे, भाग लेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके बदले कोई और आकर रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।